हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ इज आर एम। तो हम आज जानेंगे कि इज आर एम का प्रयोग ठीक तरह से कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए पहले कि जो इज आर एम है वो हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ओके। और उसके बाद में आप ये जान लीजिए कि यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग किन वाक्यों में होता है, मतलब कौन से सेंटेंसेस में होता है। तो इनका प्रयोग जो होता है वह हमारे नो एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस में होता है। नो एक्शन वर्ब मतलब इसमें इस प्रकार के वाक्यों में किसी भी कार्य को नहीं किया जाता है। यूज ऑफ इज आर एम के जो भी वाक्य होंगे उनमें किसी भी कार्य को करते हुए नहीं दिखाया गया होता है। और हम आज समझेंगे कि इज का प्रयोग कैसे करते हैं, आर का प्रयोग कैसे करते हैं और एम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम एक इसका रूल पहले जो है जान लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल है। इसमें वर्ब जो है होगी ही नहीं, मतलब इसमें वर्ब होगी ही नहीं, बिकॉज इसमें लिखा है नो एक्शन वर्ब। और जब एक्शन वर्ब नहीं होगी तो वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होंगे। अब इनको हम यूज कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस को, और ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम रेगुलर स्पीकिंग में, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं रेगुलर में। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझेंगे, वह अच्छा लड़का है। मैंने कहा कि वह अच्छा लड़का है, अब मुझे इसे बनाना है। सब्जेक्ट लिख लेंगे ही, ठीक है, दैट भी लिख सकते हैं, ही की अंग्रेजी यहां पर दैट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दैट क्यों कर सकते हैं, तो आप एक ये चीज जान लीजिए कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम वह की अंग्रेजी दैट कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग के लिए सिर्फ दैट का यूज करेंगे, वहां पे ही का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ही इज अ गुड बॉय, सॉरी ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। ठीक है, He is good boy. अच्छा, he is और am और are का यूज कहाँ होता है, तो आप ये भी जो है जानिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाना है, तो आप कभी भी सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी हम इसका यूज करेंगे तो हमारे वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, एकवचन, ठीक है ना, उनमें हम इज का प्रयोग करेंगे। और जितने भी बहुवचन होंगे उनमें हम बहु आर का यूज करेंगे, और आई के साथ सिर्फ एम का यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ सिर्फ हम एम का यूज करेंगे, एकवचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं अच्छे से, जो है ये हमारा अफर्मेटिव का जो है फार्मूला है। ठीक है, वे मेरे साथ हैं, वे मेरे साथ हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा वे मेरे साथ हैं, वे की अंग्रेजी हम यहाँ पर दे लिखेंगे, दे के साथ हम आर लगाएंगे, और साथ के लिए विद, मेरे साथ मी, दे आर विद मी, तुम घर पर हो, तुम घर पर हो, ठीक है, तुम घर पर हो, यू यू आर ऑन, सॉरी एट होम, ठीक है, यू आर एट होम। ठीक है, मैं अगला सेंटेंस हमारा लिखेंगे, मैं एक चालाक लड़का हूँ। ठीक है, मैं एक चालाक लड़का हूँ, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, आई, और आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम। ठीक है, तो आई एम अ क्लेवर बॉय। ठीक है, आई एम अ क्लेवर बॉय। ठीक है, वे राघव के साथ हैं, वे राघव के साथ हैं, दे आर विद राघव।
देखिए वेर की अंग्रेजी दे होती है और दे हमारा प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाएंगे और उसके बाद में साथ की अंग्रेजी विद होती है, ठीक है। और राघव की अंग्रेजी हमारी राघव होगी, दे आर विद राघव, ऐसे ही हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस सिंपल के कैसे बनते हैं, तो वो भी बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसानी से उन्हें सीख सकते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को, निगेटिव सेंटेंसेस को भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस इसमें देखिए हमारा जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा होता है हमारा इसका फार्मूला, ठीक है। मतलब जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इजारम है उसके बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज, अब देखिए ही के बाद इज लगेगा लगेगा क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट विद मी, यू आर नॉट विद मी, देखिए यू के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और दे के साथ आर लगेगा, ही के साथ हमारा जो है इज लगेगा, सी के साथ इज लगेगा, दिस दैट के साथ इज लगेगा क्योंकि वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है इसका यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम आर का यूज करेंगे और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। हमारी जो इजारम की हेल्पिंग वर्ब है सिंपल सेंटेंसेस है ये, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, इसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा, नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया होगा, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा और उनमें हम इजारम का यूज करेंगे जो कि हमारी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस भी कहलाते हैं या उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं सिंपल में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसका फार्मूला हमारा देखिए, हमने बताया था आपको कि दो ही टाइप का इंटरोगेटिव होता है, एक तो फर्स्ट टाइप एक तो सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और सेकंड टाइम में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको दोनों रूल्स बताए दिए रहे हैं, ठीक है, दोनों रूल्स हम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट टाइप का हमारा जो होगा वो होगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और सेकेंड टाइप का हमारा होगा रूल, वो भी हमारा इजी ही है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू हम इन्हें एक एक करके समझेंगे अच्छे से, एग्जांपल के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। क्या तुम राहुल हो, क्या तुम राहुल हो, आर यू राहुल, आर यू राहुल, देखिए क्या तुम राहुल हो इसमें बताया गया तो हमने कह दिया आर यू राहुल। अच्छा आर क्यों आया, क्या की अंग्रेजी तो वाट होती है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जब भी क्या होगा तो उसकी अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे और इज लिखेंगे और एम लिखेंगे क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे, यानी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम आर का ऑलवेज यूज करते हैं, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे आर हो गया। अगर यहाँ पर वा होता तो यहाँ पे इज हो जाता, अगर यहाँ पर मैं होता सब्जेक्ट तो यहाँ पर एम हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देखता हूं, क्या वह घर पर है, क्या वह घर पर है, ठीक है।
तो यहां पर देखिए क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर वाई इज ही एट होम। ठीक है, ये हमारा देखो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या वह घर पर है, इज आ गया, यहाँ पर आर था। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मैं हो जाएगा तो यहाँ पर एम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंसेस को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब हम सेकेंड टाइप के जो सेंटेंसेस को समझेंगे। सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, वह यहाँ क्यों है, वह यहाँ क्यों है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम वाक्य में बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, वाई, वाई के बाद में हमारा इज आर एम आएगा, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, वाई इज ही हेयर, यहाँ की क्या होगी, हेयर होगी इंग्लिश। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। ठीक है, वेयर कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, और वेयर के बाद आर लगा देंगे बिकॉज ये हमारा यू है, और उसके बाद यू, वेयर आर यू। ठीक है, ये हमारे इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप के जो है एग्जाम्पल हो गए। अब हम समझेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, एक एक टाइप करके हम समझ रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेनेशन कर सकें। ठीक है, और आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको जो है आपका डाउट जो है क्लियर करूंगा। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें देखिए हमारा रूल क्या होता है, हम एक लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं और बाकी सब इंटरोगेटिव के जैसा ही रहेगा, जैसे कि इंटरोगेटिव के रूल थे वैसे ही रहेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझेंगे, क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल में नहीं है, क्या वह स्कूल में नहीं है, तो यहां पर हम लिख देंगे इज, इज ही, अब ही के बाद सीधे नॉट लगा देंगे बिकॉज हमारा ही सब्जेक्ट है। इज ही नॉट इन स्कूल, इज ही नॉट इन स्कूल। अगला सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप का, वह यहां क्यों नहीं है, वह यहां क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्यों आ गया पहले, तो क्यों की अंग्रेजी why, why के बाद हम लगाएंगे is, फिर he, why is he not, why is he not here। ठीक है, why is he not here, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, ऐसे ही करके हम सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हैं।